हाय दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत। आज हम बात करेंगे अपनी बोनस पिक की, और बोनस पिक के अंदर मैं जिस शेयर को लेकर आया हूँ उसके अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं किस हिसाब से 6 महीने के अंदर इस शेयर के लगभग 106% तक के रिटर्न निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। मोटे तौर पर बात करें तो 3 महीने के अंदर इस शेयर के साथ जो बड़ी रैली नज़र आ रही है उसको आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 140-150 प्लस के रिटर्न यहाँ पर आपको नज़र आते हुए दिखाई देंगे कैलकुलेशन के हिसाब से। अगर मैं मोटे मोटे तौर पर आपको यहाँ बताने की कोशिश करूँ तो ये इसका 14 जून का 54 का प्राइस है, और वहाँ से इस शेयर के अंदर जो रैली बनती हुई दिखाई दी है हाई के तरफ, तो ये ऑलमोस्ट 150+% तक के रिटर्न निकलते हुए दिखाई देते हैं। यानी कि 186 का इसने हाई बनाया, और ये रेंज जिस हिसाब से आपको समझ आ रही है, आप अच्छी तरीके से समझ पाएंगे कैलकुलेशन को अगर अच्छी तरीके से कंसीडर करें तो यहाँ पर इस शेयर के अंदर ऑलमोस्ट 150% तक के रिटर्न इस शेयर के अंदर दिखाई दे रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ टोटल ट्रांसपोर्ट सिस्टम लिमिटेड की, एक उभरता शेयर जिसके अंदर काफ़ी बढ़िया स्पीड इस समय बनती हुई नज़र आ रही है। इसके फाइनेंशियल को अगर देखेंगे तो आप ये समझ पाएंगे कि कंटिन्यूसली क्वार्टरली बाई क्वार्टरली काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस देने वाला ये शेयर इस समय काफ़ी अट्रैक्टिव होता हुआ नज़र आ रहा है। और जिस हिसाब से इस शेयर के इस समय रिटर्न निकल रहे हैं, आप ये समझ लीजिएगा कि तूफान की तरह भागने वाले इस शेयर में अभी बहुत दमखम है। तो जिस हिसाब से लॉजिस्टिक सिस्टम के अंदर एक मल्टी फोल्ड इस समय जितनी भी आप कंपनियां होंगी रिटर्न निकलते हुए दिखाई दे रही हैं, अगर आप समझें कि इस समय जो बहुत बढ़िया तरीके से एक लॉजिस्टिक के अंदर जिस हिसाब से कंटिन्यूसली एक अच्छी खासी ग्रोथ पूरे के पूरे सेगमेंट के अंदर बनी हुई है, अगर आप किसी भी कंपनी का शेयर उठाते हैं आज की डेट में सेक्टर के अंदर जो बढ़िया ग्रोथ का रीज़न है वो ये है कि इस समय जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, और उसके साथ साथ आप देखेंगे कि लॉजिस्टिक के सेक्टर के अंदर एक बढ़िया जो कंटिन्यूसली ग्रोथ है वही रीज़न है कि कैसे ये सारे के सारे सेक्टर के अंदर बहुत बढ़िया तरीके से, चाहे वो अमेज़न का रीज़न हो, स्विगी ज़ोमैटो का रीज़न हो, ऑनलाइन आप ख़रीदारी कर रहे हैं, आपको घर बैठे सारी चीज़ें चाहिए, तो डेफिनेटली B2B के अंदर भी सेम ऐसा ही चलता हुआ आ रहा है कि कोई भी सामान आपको घर पर ऑटोमेटिकली मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये सारे चीज़ों के पीछे ये सारी की सारी कंपनियां लॉजिस्टिक से रिलेटेड कंपनियां लगी हुई हैं, और आप लॉजिस्टिक के अंदर इस समय चाहें BRL लॉजिस्टिक्स हो, टोटल ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो, ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं, अग्रवाल एंड पैकर्स मूवर्स हो जो अभी लिस्टेड नहीं है लेकिन काफ़ी बढ़िया रिटर्न निकालती हुई नज़र आ रही है, तो इन सभी सेक्टर के अंदर आप एक अच्छा खासा रिटर्न बना सकते हैं। किसी मार्केट कैप है लेकिन रिटर्न बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ पर 52 वीक हाई और लो को अगर आप देखेंगे तो आप ये समझ सकते हैं कि 43 रुपीज़ से अपनी जर्नी स्टार्ट करने वाला शेयर 195 का हाई बनाता और इस समय 163 रुपीज़ पर ट्रेड कर रहा है। 10 रुपये की फेस वैल्यू के साथ रिटर्न बहुत बढ़िया निकलते हुए इस शेयर के अंदर दिखाई दे रहे हैं। मार्केट कैप छोटी है लेकिन छोटे से रॉकेट के अंदर बड़ा धूम मचाने वाला बारूद भरा हुआ है, इस बात की गारंटी आपको नज़र आनी चाहिए, क्योंकि पूरे देश के अंदर 130 करोड़ की जनता है, कुछ ना कुछ मंगा रही है, और उस सब के पीछे एक बहुत बड़ा लॉजिस्टिक सिस्टम लगा हुआ है। दिवाली का टाइम है और आप ये समझिएगा कि जब दिवाली के बाद इनके रिटर्न निकलेंगे तो ये धूम मचाते हुए शेयर आपको दिवाली और बम्पर दिवाली वाले रिटर्न देते हुए नज़र आएंगे। यहाँ पर बात करें तो कंपनी की स्ट्रेंथ और जो पोजीशन है इस समय काफ़ी बढ़िया नज़र आ रही है। अगर मैं देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये सारे के सारे जो शेयर्स हैं उसके अंदर काफ़ी बढ़िया इस समय रिटर्न की जो गारंटी है वो यही रीज़न है कि लॉजिस्टिक का जो सेक्टर है वो धीरे धीरे अपनी ग्रोथ के साथ भाग रहा है। ये इसके नेट प्रॉफिट हैं कंटिन्यूसली बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं पिछले 4-5 क्वार्टर से, और जिस हिसाब से ईयरली बाई ईयरली ग्रोथ की अगर मैं बात करूं तो इस साल अगर आप देखें तो 13 करोड़ का जो नेट प्रॉफिट है उससे पहले 11 करोड़ का, और उससे पहले 2 करोड़ का, और उससे पहले 4 करोड़ का, यानी कि डिक्लाइन आने के बाद फिर से इस शेयर के अंदर एक अच्छी खासी पोजीशन के साथ और अच्छी खासी ग्रोथ के साथ जो रिटर्न निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं उससे आप ये समझ लीजिए कि सेक्टर पूरा का पूरा
भारी उम्मीदों से भरा हुआ है। इसके साथ साथ अगर हम देखें आगे फर्दर, इस शेयर के अंदर जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो अभी नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन बावजूद इसके कंपनी बहुत बढ़िया तरीके से रिटर्न देती हुई नज़र आ रही है।